दोस्तों स्वामी लेके आ गया है देश का नया स्मार्टफोन। 5 सितंबर को रेडमी ने 3 फोन लॉन्च किया, रेडमी 6A, रेडमी 6, रेडमी 6 प्रो। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडमी 6 प्रो के बारे में, क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसकी प्राइस, क्या है मेरी अपनी ओपिनियन इसी रेडमी 6 प्रो के बारे में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल वाले चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ये है Redmi Note 6 Pro। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले के ऊपर सबसे पहले दिया गया है नॉच का डिज़ाइन, जो कि Oppo F9 Pro में दिया गया है, उसी टाइप का ये भी फ़ोन है। तो सबसे पहले आई स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन है 5.84 इंच का और फुल व्यू HD प्लस स्क्रीन है और 19:9 एस्पेक्ट रेशियो का स्क्रीन दिया गया है। दोस्तों डिस्प्ले की बात किया था हमने, डिस्प्ले में 19:9 एस्पेक्ट रेशियो का वाटर ड्रॉप स्क्रीन भी दिया गया है। और अब बात करते हैं कलर की, तो 4 कलर में इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है, रेड, ब्लैक, ब्लू और गोल्ड कलर में। फिलहाल 2 ही कलर में यह अवेलेबल है Xiaomi के Mi स्टोर पे या फिर Flipkart पे या फिर Amazon पे, गोल्ड और ब्लैक, तो कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं फिलहाल। दोस्तों वर्जन की बात करते हैं, 2 वर्जन में इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है। पहला है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, इसका प्राइस पड़ता है 10,999 रुपये। और दूसरा 6GB रैम और 64GB स्टोरेज दिया गया है, इसका प्राइस पड़ता है 12,999 रुपये। और डिपेंड आप पे करता है कि इन दोनों में से कौन लेना चाहते हैं। मेरे अनुसार से 3GB रैम और 32GB इंटरनल वाला ही फ़ोन अच्छा होगा कम प्राइस में, या फिर ये भी अच्छा है, 3GB रैम तो बहुत ज़्यादा हो गया किसी भी फ़ोन के लिए। पहले के ज़माने में जैसे सैमसंग में 1.5GB रैम या 1GB रैम से भी हम काम चलाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा 3GB रैम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, हमारा फ़ोन एकदम फ्रेश चलेगा, 3GB रैम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि 3 साल पुराना हो चुका है। पिछले वाले फ़ोन सब जितना भी रेडमी लॉन्च किया था उस सब में यही वर्जन था। अब बात करते हैं कैमरा की, तो रियर कैमरा दिया गया है 12+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, जो कि और भी रेडमी फ़ोन्स में आ चुका है, जैसे रेडमी नोट 5 ये सब वगैरह इस सब फ़ोन में दे चुका है। तो भैया कैमरा की बात करें तो कैमरा में दिया गया है पोर्ट्रेट मोड प्लस ब्लरिंग भी कर सकते हैं, हम अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की, तो भैया बैटरी दिया गया है 4000 mAh की, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, अपने फ़ोन को हम आसानी से यूज कर सकते हैं चाहे जितना भी यूज करें, बैटरी तो बहुत ज़्यादा दिया गया है 4000 mAh की। पिछले वाले फ़ोन सब रेडमी नोट 5 इस समय 4000 mAh दिया गया है, उसमें जो व्यक्ति भी चला रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं कि 4000 mAh की बैटरी क्या परफॉर्मेंस करती है। दोस्तों बात करें लॉक की, तो फेस लॉक प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, साथ ही वीवो V9 के जैसा फेस लॉक भी दिया गया है। अब बात करते हैं 2 SIM+1 मेमोरी कार्ड इस फ़ोन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फ़ोन, इस फ़ोन की फुल स्पेसिफिकेशंस। अगले वीडियो में मैं करूँगा रेडमी 6 और रेडमी 6A का रिव्यू। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इस बात पे एक लाइक तो बनता है।